Hey guys, welcome to Easy Notes. आज हम गली बॉय मूवी का जहां तू चला सॉन्ग उसके गिटार के कॉर्ड्स करने वाले हैं। जसलीन रॉय ने ये सॉन्ग गाया है और वो बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट है। उसका वॉइस बहुत ही सूथिंग है और उसके सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आज गिटार बजाते हैं। तो सबसे पहले हम गिटार बजाने से पहले गिटार को ट्यून कर देते हैं। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में गिटार को रखना है, जो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, ई ए डी जी बी ई। जी हाँ, ई ए डी जी बी ई। ये सॉन्ग के अंदर हमें कैपो का यूज करना है। कैपो हमें सेकंड नंबर की फ्रेट पर रखना है। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर के फ्रेट पे हमें कैपो को ऐसे लगा देना है। एक बार कैपो लगाने के बाद आप साउंड फिर से चेक कर लीजिए कि प्रॉपर साउंड आती है कि नहीं आती है। वो इस सॉन्ग के अंदर हम 5 कॉर्ड्स का यूज करने वाले हैं। तो कौन से कॉर्ड्स हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। डायग्राम के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एफ मेजर, सी मेजर, डी मेजर, जी मेजर एंड ई माइनर। सबसे पहले एफ मेजर कॉर्ड देखते हैं। एफ मेजर कॉर्ड एक बार कॉर्ड है, तो आपको फर्स्ट फिंगर यहाँ पर रखनी है बार कॉर्ड में, जहाँ पे मैंने रखी है ऐसे। देन आपको सेकंड फिंगर है उसको रखना है थर्ड स्ट्रिंग, उसके अंदर सेकंड नंबर की टैप पर। थर्ड फिंगर को रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड टैप पर, और फोर्थ फिंगर को रखना है फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ टैप पर, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है और डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है ऐसे। फर्स्ट फिंगर, यहाँ पर सेकंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर और ये फोर्थ फिंगर। ये हमारा एफ मेजर कॉर्ड है। अगला कॉर्ड सी मेजर कॉर्ड है। सी मेजर कॉर्ड बहुत ही इजी कॉर्ड है, डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। फर्स्ट फिंगर रखनी है सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट टैप, सेकंड फिंगर रखनी है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड टैप, और थर्ड फिंगर रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड टैप पर। यहाँ पर 6 नंबर की स्ट्रिंग ऑप्शनल है मगर हम नहीं बजाएंगे। 5 स्ट्रिंग है, वहां से ही शुरू करेंगे 5 4 3 2 1। अगला कॉर्ड है डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड है, उसके अंदर आपको पकड़ना है फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट टैप पर, सेकंड फिंगर को थर्ड स्ट्रिंग सेकंड टैप पर, और थर्ड फिंगर है उसको सेकंड स्ट्रिंग थर्ड टैप पर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर, जो डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा है वैसे करना है, और 5 स्ट्रिंग बजानी है उसमें। अगला कॉर्ड है जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड के अंदर आपको फर्स्ट फिंगर रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड टैप पर, सेकंड फिंगर रखनी है आपको सिक्स स्ट्रिंग थर्ड टैप के अंदर, और जो थर्ड फिंगर है आपको रखनी है फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड टैप के अंदर, ऐसे रहेगा। डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है वो। लास्ट कॉर्ड है ई माइनर कॉर्ड। बहुत ही इजी कॉर्ड है, फर्स्ट और सेकंड फिंगर उसका ही यूज करना है। डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है, और दोनों फिंगर को सेकंड टैप पर ही रखना है फिफ्थ और फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर। फिफ्थ स्ट्रिंग के अंदर सेकंड टैप है उसके अंदर फर्स्ट फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग के अंदर सेकंड टैप है उसके अंदर सेकंड फिंगर, और 6 की 6 स्ट्रिंग बजानी है। इसमें जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, डाउन देन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। आपको जो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है वो डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वैसे स्ट्रमिंग पैटर्न है। मैं स्लोली आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी फिर से देख सकते हो। डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब मैंने यहाँ पर इसलिए बंद रखा है ताकि आपको स्ट्रमिंग पैटर्न है जो आप बजाते हो तो वो इजीली समझ में आए, आपको सुनाई दे आवाज़ आपको, इस वजह से यहाँ पर मैंने बंद रखा है वो। डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इस तरीके से है। अब यही स्ट्रमिंग पैटर्न को मैं एफ मेजर कॉर्ड के अंदर बजा के आपको दिखा देता हूं एक बार।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं सीखा हूँ कि आप जब भी जी मेजर कॉर्ड के अंदर शिफ्टिंग करते हो तो आपको फर्स्ट जो फिंगर है उसको पहले रखने की जगह थर्ड फिंगर पहले रखोगे तो आपको इजीली शिफ्टिंग आएगा। कैसे? कि थर्ड फिंगर रखने के बाद ये ऊपर की दोनों फिंगर है ना वो साथ में यहाँ पे आप ला सकते हो तो बहुत ही फास्ट शिफ्टिंग होगा। तो जैसे सी मेजर है, सी मेजर के बाद आप जी में आते हो तो ये पहले थर्ड फिंगर रखो यहाँ पर, देन ये दो फिंगर यहाँ पर रखो। जैसे एफ मेजर है तो एफ मेजर के अंदर आप शिफ्टिंग करते हो एफ मेजर से जी मेजर, तो एफ से डायरेक्ट जी में जाओ तो ये फिंगर पहले रखो, देन यहाँ पे ये दोनों फिंगर आ जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके एक बार दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से, तो आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से शिफ्टिंग आएगा। तो हमने गिटार के कॉर्ड्स देख लिए, स्ट्रमिंग पैटर्न देख लिया, तो अब हम सॉन्ग के अंदर देखते हैं कि कैसे बजेगा। तो यहाँ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको इस सॉन्ग के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और हाँ, प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं कोई और सॉन्ग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।